वेल दोस्तों, बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अब अमेरिका में रहती है। वह अब हॉलीवुड के प्रोजेक्ट में ही काम करती है। पति निक जोनस के साथ बेटी मालती मेरी चोपड़ा जोनस की परवरिश कर रही है। एक रेस्तरां सोना चलाती है और अब एक होमवेयर यानी घरेलू सामान बनाने वाली कंपनी सोना होम की भी शुरुआत की है। इंस्टाग्राम पर प्रियंका की तस्वीरें किसी सपनों जैसी जिंदगी का हिस्सा लगती है, लेकिन देश छोड़कर विदेश में जाकर बस जाना क्या प्रियंका चोपड़ा के लिए ये सब इतना आसान था? एक्ट्रेस ने अपने नए पोस्ट में अमेरिका में प्रवासी होने के मतलब और अपने अनुभव को शेयर किया है। इस पोस्ट में प्रियंका ने विरासत और संस्कृति को लेकर भी बात की है। बॉलीवुड से दूर हॉलीवुड की ओर अपने कदम बढ़ाने को लेकर प्रियंका कहती है, हिंदुस्तान से आकर अमेरिका को अपना दूसरा घर बनाना चैलेंजिंग रहा, लेकिन मेरी ये यात्रा मुझसे ऐसी जगह लेकर आई जहां मुझे अपना दूसरा परिवार और दोस्त मिले। मैं यहां हर चीज में भारत का एक अंश लेकर आई। मैं जो भी करती हूं उसमें एक भारतीय की झलक है। अमेरिका में भारतीय होने का क्या मतलब है, इस पर बात करते हुए प्रियंका कहती है, भारतीय संस्कृति अपने सत्कार के लिए जानी जाती है। यहाँ लोगों को साथ जोड़ने और अपने समुदाय के बारे में है। यह एक इमारत को घर बनाने की बात है। मेरे लिए भी एक प्रवासी के तौर पर यह बहुत मायने रखता है। मैंने अपनी जड़ें वहाँ पीछे छोड़ दिए और मैंने यहाँ तुम्हें पाया। यहाँ मेरे दोस्त, मेरे परिवार, ये वो लोग हैं जिन्हें मैंने चुना। प्रियंका अमेरिका के बारे में बात करते हुए आगे कहती है, यहाँ मेरा गोद लिया हुआ देश है और मैं जहाँ पैदा हुई हूँ वहाँ की विरासत को अमेरिका के घरों तक लाने की काबिलियत चाहती हूँ। प्रियंका चोपड़ा ने निजी जीवन में बेटी के जन्म के बाद मुश्किल वक्त देखा है। 100 दिनों तक मालती अस्पताल में थी। ऐसे में एक ताकतवर माँ की तरह बेटी के लिए अस्पताल में डटी रही। वर्क फंड की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में रूसी बदस की सीरीज सिटाडेल की शूटिंग खत्म की है। इस सीरीज में वह गेम ऑफ थ्रोन्स फेम रिचर्ड मैनम के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। दूसरी ओर प्रियंका बॉलीवुड में भी वापसी कर रही है। वह जोया अख्तर की फिल्म जीले जरा में आलिया भट्ट और कटरीना कैफ के साथ नजर आएंगी। हालांकि पिछले दिनों खबर आई है कि इस फिल्म की शूटिंग को अब कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।